आपकी भी बहन है, मेरी भी बहन है, अगर वो कुंवारी है तो वो क्या पब्लिक की प्रॉपर्टी हो गई? अगर हम इतनी औरतें गंदी हैं तो तुम इतने पाक साफ मर्द हो गए क्यों जाती हो कोठों पे? ये हिंदू औरत है, वो लाखों शादियां की हुई हैं। इस्लामी ये मुल्क है ना, तो यहाँ पे लड़की सेफ क्यों नहीं है? उनके जो हिंदू पंडित है या उनके भगवान है, उन्होंने लाखों लाखों शादियां की हुई है। मैं जो बेटियाँ आपकी बहने हैं, क्या वो पब्लिक प्रॉपर्टी है? आप लड़कियाँ जो कुंवारी है ना, सीधी साफ अल्फाजों में, ओ आवाम दी है प्रॉपर्टी, ये वहाँ जाके बात करे ना, पूरन भी आपके लिए वो भी हलाल है, उनका गोबर भी हलाल है, ये भी उसने बयान कर दिया। इसका मतलब है वो मुसलमान है तो वो किसी की भी बहन बेटी को ये कह देगा। भाई पाकिस्तान में 90% अभी भी लड़कियां कुंवारी हैं। भारत का भगोड़ा जाकिर नायक पाकिस्तान में जाके ऐसा बयान दे दिया है कि पाकिस्तानी आग बबूला हो गए हैं। जाकिर नायक का बयान सुन के आपका दिमाग चकरा जाएगा। जाकिर नायक बोलते हैं कि पाकिस्तान की कुंवारी लड़कियां जो कि बजारू होती हैं, तो भाई मैं दिखाऊंगा पूरा वीडियो जो कि पाकिस्तानी रिएक्शन है, लेकिन उससे पहले दुबई से कितने भी गुस्से में ऐसी बयान दे दिए हैं, वो भी बड़ी क्लिप आपको देखनी चाहिए। तो सबसे पहले चलते हैं पाकिस्तान और सुनते हैं कि पाकिस्तानी इस मुद्दे पर क्या क्या बोलते हैं। पहले आप इनकी बातें सुनिए। वो ऐसे मर्द से शादी करे जिसकी बीवी ऑलरेडी है, या वो बाजारी औरत बन जाए। बाजारी औरत, इतना सख्त लव, मैं इंग्लिश में बोलता हूं पब्लिक प्रॉपर्टी, लोग एतराज लेते, मैं कहता हूं इससे अच्छा लव मेरे पास ही नहीं। लड़कियां जो कुंवारी है ना, सीधी साफ अल्फाजों में, ओ आवाम दी है प्रॉपर्टी, जो बड़ी बार सुना है मैंने, हाँ। उसको बड़ी बार सुना है, ये नहीं है कि भी अगर वो अलमा है तो जो मर्जी चाहे बात कर दे। सर, हमने सुना कि नहीं सुना, पाकिस्तान में तो सुना ना, पाकिस्तान में तो सुना। क्या जाकिर नाइक के बारे में क्या बताऊं यार? आप देखें, वो हिफ्ज कर लिया, 14 साल में वो खतीब बन गया, फिर वो 16 साल में मुफ्ती बन गया, 21 साल में वो पीस टीवी का वो अमीर बन गया। अब तक उसने इंडिया में 2 लाख से ऊपर मुसलमान कर लिए, उसने ये मुसलमान कर लिए तो इसका यहाँ क्या ये मतलब ये है? वो मुसलमानों को ये कह रहा है ना, आपकी भी बहन है, मेरी भी बहन है, अगर वो कुंवारी है तो वो क्या पब्लिक की प्रॉपर्टी हो गई? ये उसको जाकिर नाइक ने कहा, भाई आप सुने, आपको पता चले, उसने आज बात नहीं, आपने पूरा उसका बयान सुना है, आपने पूरा उसने अगर उसका पूरा लेक्चर या उसका कभी प्रीवियस उसका लेक्चर सुना हो ना डॉक्टर जाकिर नाइक के बारे में, उसका जो पॉइंट है कि इस्लाम में 4 शादियां क्यों जायज हैं, ठीक है, वो अगर हिंदू औरत है वो बता रहा है कि बाकी मजाहिब के अंदर उनकी 4 से भी ज्यादा, उनके जो हिंदू पंडित हैं या उनके भगवान हैं, उन्होंने लाखों लाखों शादियां की हुई हैं, ठीक है, हजारों शादियां की हुई हैं। ये आपको किससे कह दिया भाई? हिंदुओं के आप जाके स्टडी करें उनके जो उन्होंने कितनी शादियां की हुई हैं, राइट। इस्लाम के अंदर 4 शादियां क्यों हैं, ठीक है, इस्लाम के अंदर आपको पता है उसका, आप जब पूरा लेक्चर सुनेंगे कि जो खवातीन है, ठीक है, उनके अंदर जो बीमारियां हैं या इनसे जो लड़ने की ताकत है जो मेल बच्चा होता है उससे ज्यादा होती है, ठीक है। प्लस आप जैसे अब देखें कि आपकी जंग ये होती तो उसने है, नहीं देखिए ये आप देखिए आप इस बात को डिबेट, हमारा जस्ट ये है कि उसको ये वर्ड यूज करना चाहिए पाकिस्तान में, किस ये उसने यूज किया है कि जो लड़कियां शादी नहीं कर रही वो पब्लिक की प्रॉपर्टी है, ये वर्ड यूज किया है, उसको ये बात करनी चाहिए थी कि भाई जो तलाकशुदा औरत है उसको ये बताना चाहिए कि दीन में ये हुक्म है कि वो सबसे पहले जो उसके घर में उसका देवर है, जेठ है, जिसको सादा अल्फाजों में समझाया जाता है, ये करे वो निकाह करे, कोई रिश्तेदार निकाह करे। आप इसका मतलब है बेवा को तलाक याफ्ता को आप पब्लिक प्रॉपर्टी, तो आप उनको भी नहीं बना रहे, आप तो कुंवारियों को भी ये वर्ड यूज कर रहे हैं। आजकल क्या शादी कोई मोटी तब नहीं शादी, उसको दीन का बताना चाहिए, हमारे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बताने सारी बातें छोड़ो, हमारे मुल्क के अंदर सर आप ही रिलीजियस लग रहे हैं। एक मिनट, हमारे इस बात को मेरे ख्याल से पहले समराइज करते हैं, आप बताएंगे जो डॉक्टर जाकिर नाइक ने बोला ये उन्हें बोलना चाहिए था या नहीं बोलना चाहिए था? नहीं, मैंने मैंने उसका वो लेक्चर नहीं सुना, ठीक है, ऐसा बोला, अगर उसने बोला सर इतनी ऑडियंस बोल रही है मतलब सब खवातीन, अगर उसने ये बात की है कि खवातीन पब्लिक प्रॉपर्टी है, ये बात गलत है, ठीक है, लेकिन अगर उसकी बात देखी जाए कि वो कॉल आ रही है जो, लेकिन सर यहाँ पर ये आपको भी निकाल के दे देंगे, जाकिर नाइक का गर्ल जो है पब्लिक प्रॉपर्टी है निकल आएगा। मुझे ये बताए पाकिस्तान के अंदर ऑलरेडी इतने मुफ्ती हैं, कारी हैं, उलेमा इकराम हैं, हमें आप 24 घंटे वेट करें, आप 24 घंटे वेट करें। और मेरा ख्याल है कि जहां जाकिर नाइक ने ये जवाब देके गलती की ना, ये लड़की को सवाल ही नहीं करना चाहिए था, हाँ। इस तरह के जाहिल बंदे से जिसने 4 से 5 दिन पहले ये कह दिया है कि जोन से मुसलमान जिस जानवर का गोश्त खाते हैं ना वो हलाल है, उनका यूरन भी आपके लिए वो भी हलाल है, उनका गोबर भी हलाल है, ये भी उसने बयान कर दिया। पाकिस्तान ये
जाके इंडिया में करे ना बात, वो तो वैसे ही इंडिया वाले, अब मैं क्या बात करूँ, इंडिया वालों ने निकाला हुआ इनको, वो ये वहाँ जाके बात करे ना, खा लेंगे इनको अपना भगवान मान लेंगे वो, ये जायलो वाला काम किया है पाकिस्तान को इत्तेजाह रिकॉर्ड करा, इसका मतलब है वो मुसलमान है तो वो किसी की भी बहन बेटी को ये कह देगा कि भाई कह दिया है आपकी मेरी सबको उसने कह दिया है, और भाई पाकिस्तान में 90% अभी भी लड़कियां कुंवारी हैं, यही यही रीजन आ रहा है भाई, किसी की शक्ल, किसी का नाक टेढ़ा, किसी कोई मोटी है कोई छोटी है कोई, उसको बात ये करनी नहीं चाहिए थी पाकिस्तान में आके भाई, पहले कम हमारे इधर भी है, पहले सुन्नी वहाबी शिया पहले कम चल रहे हमारे अंदर, यही कर रहा है भाई भाई यही बात। अब पता क्या होना भाई, अहले सब उसको अहले हदीस में स्ट्रेट फॉरवर्ड कहता हूँ उसको फॉलो करते हैं, अब पता क्या होगा, अब सुन्नियों के पास ये आ गया, वो डॉक्टर जाकिर नाइक की बात को लेके उनके वहाबियों के सामने बैठ जाएंगे कि भाई आपका बंदा ये है, ये बात कर रहा है, और लड़ाई बढ़ जाएगी, वो यहाँ स्टेट गेस्ट है, उसको तो स्टेट गेस्ट किसी एक मुल्क ने उसको, आप इतने लोग खड़े हैं, मुझे किसी कंट्री में 201 मुल्कों में किसी ने भी उसको स्टेट गेस्ट आज तक एक दिन के लिए बुलाया, पाकिस्तान ने 30 दिन के लिए बुला लिया यार, पूरे सदर वाली मेरे पैसे, ये कौम के पैसों से उसको भाई, मेरी बात सुनो, उसको क्यों बुलाया जब हमारे पास अपने मौलाना मुफ्ती मौजूद हैं, इतने उलमा मौजूद हैं, इतने मदरसे मौजूद हैं, उन्होंने हमें कह दिया कि जो एक शादीशुदा औरत नहीं है वो एक बाजारी औरत है, तो आपके घर में भी तो बेटियां होंगी, तो क्या ख्याल है आपको, आप उन्हें क्या कहना चाहेंगे कि अभी तो उनकी शादी भी नहीं की आपने, तो क्या वो बाजारी हैं, अगर हम इतनी औरतें गंदी हैं तो तुम इतने पाक साफ मर्द हो गए क्यों जाती हो कोठों पे, ये भी तो बताओ। देखिए यहाँ पर तो ये लड़की सेफ ही नहीं है, इस्लामी ये मुल्क है ना, तो यहाँ पर लड़की सेफ क्यों नहीं है, मैं ये पूछना चाहूँगी हमारी जो हुकूमत है। अब देखिए अब यहाँ पर आए दिन कोई ना कोई कुछ ना कुछ मामला हुआ होता रहता है, अब जैसे कि गंगाराम हॉस्पिटल में एक आई थिंक 5 साल की बच्ची के साथ रेप हुआ, वो क्यों हुआ, हम पता क्या करते हैं, अगर किसी लड़की के साथ रेप हो जाए ना, या लड़की के साथ खुद को रेप हो जाए, किसी को ना भी पता चले, तो वो खुद में दबा लेती है, वो अपने लिए आवाज़ पैदा नहीं करती, वो कहती है भी नहीं मेरी इज्जत पे बात आएगी, ये है वो है, नहीं क्यों आएगी आपकी इज्जत में बात, जब हम ही इस चीज़ के लिए शह दे देते हैं, तो सामना मर्द कहता है कौन सा इसने कुछ कर लिया, हम तो मर्द हैं, हम तो जो मर्जी कर सकते हैं, क्यों भाई तुम लोग क्यों कर सकते हो, हमें कोई हक नहीं है, जबकि इस्लाम में मर्द औरतों को एक बराबर दर्जा दिया गया, जितनी औरतों को इज्जत दी गई है उतनी ही मर्द को दी गई है, जितने मर्द के हकूक है उतने ही औरत के हकूक है, आपके घर में जो है माएँ बहनें बेटियाँ, माएँ को छोड़ें जो बेटियाँ आपकी बहनें हैं अनमैरिड, क्या वो पब्लिक प्रॉपर्टी हैं, आप उन्हें पब्लिक प्रॉपर्टी समझते हैं, और दूसरा ये अगर हम औरतें इतनी ही गंदी हैं तो तुम इतने पाक साफ मर्द कोठों पे क्यों जाते हो, अपने अफेयर क्यों बनाते हो बाहर लड़कियों के साथ, ये बताओ अपनी घर में बैठी औरत के साथ क्यों नहीं तुम लोग खुश हो, ये भी बताओ। और दूसरा पॉइंट मैं ये भी करना चाहूँगी, ये जो औरतें कहती ना हम तो मरगी रुड़गी डुलगी भी हमारे शोहर बाहर किसी और लड़की के साथ अफेयर चला है ना, जब मर्द आप लोगों को हकूक देंगे, आप मैरिड हो ना तो शोहर काम से थका हारा जब आता है घर तो औरत का काम बनता है कि अपने मर्द के लिए सजे सवरे और उसे जब वो आए उसे रिलैक्सेशन दे कि रिलैक्स, यानी कि वो सारा दिन का बेचारा काम में फंसा हुआ आता है तो औरत को चाहिए उसे रिलैक्स करना, जबकि और आप घर जाते हैं और बेगम क्या करती है दरवाज़ा खोल देती है और आगे सो जाती है, जबकि औरत का काम बनता है कि अपने हस्बैंड को जो है खाना पूछे, उसका हाल और हवाल पूछे, कैसा दिन गुजरा आपका वो पूछे, उसका ख्याल रखे। आप घर में होती हैं ठीक है, आप बच्चों संभालती हैं, सब काम करती हैं ठीक है, लेकिन मर्द भी तो जिम्मेदारी है ना। जाकिर नायक ने जिस तरीके से बयान दिया है पाकिस्तान में हड़कंप मच गया है, पाकिस्तानी आग बबूला हो गए हैं कि जाकिर नायक पाकिस्तान में खड़े होकर ऐसा बयान कैसे दे सकता है। तो आपको इस वीडियो में क्या कमेंट करना है, एक कमेंट जरूर कीजिएगा। चलते हैं दुबई से, क्यों दुबई से भी गुस्से में ऐसी बयान दे दी है, वो भी बड़ी क्लिप आपको देखनी चाहिए। तो पहले आप दुबई से का बयान सुनिए क्या बोलते हैं दुबई से। मेरे प्यारे भाई लोग, मेरे प्यारे बहन लोग, ये आप लोग ज्यादा से ज्यादा ये मैसेज सुनो, अभी ये आखिरी महीना है, ये आखिरी ये महीना खलास होगा, फिर कुछ माफी नहीं होगा। अभी तुम लोग को दो महीने का चांस भी दिया लेकिन हम नहीं मालूम है जो जा गया जो नहीं हो गया, लेकिन आप लोग याद रखो हम तुम लोग को ये मैसेज दे रहा है, फिर आखिर हमको हमारे साथ बात भी नहीं करो ना किसी से बात करो, अगर कोई नहीं किया और उसका मुश्किल हल नहीं किया मत समझो कोई तुमको फिर हेल्प करेगा, ये आखिरी महीना है और हम तुम लोग को एक बात बोलेगा और एक मैसेज भी देता है, ये महीना जब खलास हो जाएगा जो गया जो नहीं गया
तो क्या होएगा, अगला महीना से चेकिंग शुरू होएगा लेबर का, पुलिस का, वो चीज का कि किसी भी कोई पास वीजा नहीं आएगा और ज्यादा ज्यादा डबल प्रॉब्लम होएगा उसके ऊपर, जैसा जुर्माना जैसा क्या, फिर बड़ा बड़ा सजा भी मिलेगा। तो आप लोग के पास यही महीना है, जाओ जल्दी से खलास करो, फिर मत बोलो कि हम लोग नहीं बोला आप लोग को, हम ये मैसेज देते हैं आप लोग को, कसम कर रहा है जो भी नहीं किया डबल प्रॉब्लम आएगा उसके ऊपर। और जो के पास खाली वाली वीजा है, ये अभी इन लोग एक बड़ा तफ्तीश होएगा अगला महीना से, सब कंपनी में, सब जगह में, ट्रैवल एजेंसी में, सब जगह में। और तुम लोग देखो ये बात, फिर मत बोलो पावर चार्जर ने नहीं बोला आप लोग को, और आप लोग खुश रहो और ये चोर लोग का पीछे छोड़ो। अल्लाह हाफिज। आपने देखा दुबई सिख ने कैसे बयान दिया है। दुबई सिख हमेशा लेबर के सपोर्ट में बोलते हैं, चाहे इंडियन हो, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, कहीं के भी हो, हमेशा लेबर के सपोर्ट में खड़े रहते हैं। दुबई सिख के लिए 1 लाख जरूर कीजिएगा और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको पाकिस्तान के बारे में और दुबई के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती रहे। चलिए वीडियो शुरू करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।